विदेशों की यात्रा करना हर किसी का सपना होता है। कितने लोग तो विदेशों में बस ही जाना चाहते हैं और कितने लोग होते हैं कि वो हर साल विदेश घूमना पसंद करते हैं। आज कहानी एक बच्ची की जिसने अपनी उम्र से कई ज्यादा गुना देशों का सफर कर लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। उम्र महज 5 साल, अजमेर की रहने वाली धनारी इतनी कम उम्र में 40 देशों की यात्रा कर चुकी है। इसी वजह से धनारी को मोस्ट ट्रेवल्ड बेबी भी कहा जाने लगा है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज कर लिया गया है। दरअसल कक्षा 2 की धनारी की पूरी कहानी ये है कि सोनिया और नरेन बुलानी थाईलैंड के प्रमुख बिजनेसमैनों में से एक है और मूल रूप से अजमेर के रहने वाले हैं। उनका कारोबार कई देशों में फैला हुआ है, इसीलिए सोनिया और उनके पति कई देशों की यात्रा करते रहते हैं और यही वजह है कि 5 साल की धनारी भी उनके साथ हर जगह जाती है। बिजनेस मीटिंग्स में भी धनारी अपने माता पिता के साथ ही रहती हैं। जिन देशों में घूमने का सपना हर कोई देखता है कि धनारी ने वो सभी देश सिर्फ 5 साल की उम्र में घूम लिए हैं। धनारी अब तक थाईलैंड, यूएई, आइवरी कोस्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, इटली, सिंगापुर, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड जैसे 40 देशों की यात्रा कर चुकी हैं। धनारी की मां के मुताबिक धनारी को हवाई यात्रा के दौरान ड्राइंग बनाना बेहद पसंद है। वो घंटों एयर होस्टेस से बातें भी करती हैं। सोनिया ने बताया कि पहली बार धनारी ने 4 साल पहले थाईलैंड से भारत की यात्रा की थी और आखिरी बार उसने नाइगर की यात्रा की है। कई देश तो ऐसे हैं जहां धनारी 4 से 5 बार भी जा चुकी हैं। यहां की एयरलाइंस का स्टाफ भी धनारी को अब पहचानने लगा है। एयर होस्टेस उसके साथ सेल्फी भी लेती हैं। एयरलाइंस भी धनारी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट हमेशा देती हैं। खास बात तो ये है कि धनारी रोकर नहीं बल्कि हंसते हुए ये पूरा सफर तय करती हैं। हालांकि धनारी के माता पिता ने उसके साथ वर्ल्ड टूर भी प्लान किया हुआ है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से कई देशों में फ्लाइट मूवमेंट बंद है, इसीलिए वो कहीं नहीं जा पा रहे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा धनारी फिर से नए देश की यात्रा करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।